गुड मॉर्निंग, अभी मैं हूँ गुप्त काशी के देवर गांव में। सुबह की धूप खिली हुई है बहुत अच्छी और सामने आप देख रहे हैं चौखंबा पीक और उसके साथ साथ ये केदार घाटी की जो पीक्स दिख रही हैं। चौखंबा पीक पे सुबह की सूरज की धूप बहुत ही बेहतरीन लग रही है और नीचे पूरा ये कह सकते हैं केदार घाटी है, सामने ऊखी मठ है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा ठंड भी है यहाँ पे। और जो आज का प्रोग्राम है मेरा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरा जो केदार घाटी है ये अपने पांडव नृत्य और पांडव जो कह सकते हैं कार्यक्रम, जो जिस प्रकार हमारे कुमाऊं में रामलीला या गौरा महेश्वर होती है, यहाँ पांडव लोकगीत होते हैं। तो आज यहाँ जो पांडव उत्सव मनाया जा रहा है उसमें चक्रव्यूह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको कवर करने के लिए देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। चौहान जी मेरे होस्ट हैं यहाँ पर देवर गाँव में और उन्होंने इस बेहतरीन जगह पर मेरी रहने की व्यवस्था की थी। कल रात को मैं दिखा नहीं पाया अंधेरे में। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये सेटअप है, बिल्कुल पहाड़ों के रूबरू होते हुए छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, बिल्कुल गांव के बीच में हैं। आप देख सकते हैं ये नीचे केदार घाटी है, गुप्त काशी है और इसी के जस्ट नीचे का जो रास्ता है वो आगे फाटा और केदारनाथ की ओर जाता है। और ऊपर को आप देख सकते हैं पूरा ये जंगल है और ये जो जंगल है वन पंचायत का जो प्रबंधन है देवर गांव का बहुत ही अनोखा है और बहुत ही ये कह सकते हैं कि इसको स्टडी किए जाने लायक है कि कितने बेहतर तरीके से इन्होंने अपने वनों को यहां पर वन पंचायतों को इन्होंने संजो के रखा है। तो सुबह की गुनगुनी धूप में एक बार फिर आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ। मैं आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये देवर गांव, इस हिमालय श्रृंखला इस केदार घाटी के बीच में स्थित है देवर गांव। सामने चौखंबा है, केदार घाटी का जो पर्वत है जिसके नीचे केदारनाथ है और गांव के ठीक बीचों बीच आपको कुछ पटाखाएँ लगी हुई स्टेज दिख रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे इस पूरे केदार घाटी में पांडव उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज यहां पर चक्रव्यूह का मंचन होने वाला है कि जब पांडव थे और उस टाइम जो चक्रव्यूह का था वो कैसे इन्होंने यहाँ पे किया था, उसको पांडव के द्वारा अभिनीत चक्रव्यूह को यहाँ पे मंचन किया जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे तैयारी की आखिर वहाँ पे क्या और कैसे सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया गया है। तो आइए मेरे साथ। यहाँ पे एक छोटा मेला जैसा आज यहाँ पे लगता है जो चक्रव्यूह को देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। जैसा कि मैंने चौहान जी से बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो उत्सव है ये पूरे 7 साल बाद यहाँ पे हो रहा है और इस दिन क्या करते हैं गांव वाले कि अपने जितने मेहमान होते हैं उन मेहमानों को अपने साथ यहाँ पे बुला लेते हैं और मेहमानों के साथ मिलकर इस चक्रव्यूह का जो मंचन है उसका आनंद लेते हैं। तो हम देवर गाँव के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर चक्रव्यूह का मंचन होना है।
अभी मैं देवर गांव पे पहुंच चुका हूं और यहां पर जो पांडव नृत्य का भव्य आयोजन देवर गांव के द्वारा किया जा रहा है उसमें आप देख सकते हैं ठीक सामने आज यहां पर चक्रव्यूह का जो मंचन होना है कि कैसे उस टाइम पे चक्रव्यूह किया गया था, कैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह फंसाया गया था, उस सब का मंचन यहाँ पे किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हर उसको उसी प्रकार से यहाँ पे सजाया गया है। यहाँ पे अनेक प्रकार के द्वार बने हैं, जैसे प्रथम द्वार सिंधराज जयद्रथ है, द्वितीय द्वार, तृतीय द्वार, चतुर्थ द्वार, सप्तम द्वार। तो अभी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं और दिन के 1 बजे से यहाँ पे चक्रव्यूह का मंचन गाँव वालों के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। जैसा चौहान जी ने मुझे बताया है कि आप धीरे धीरे जो संस्कृति है, संस्कृति आप लोग अपनी संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं, लेकिन गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने का यहाँ पे जो प्रयास किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी को बता सकें कि जो चक्रव्यूह है या जो पांडव गाथा है वो गाथा कैसी थी, किस प्रकार से थी। तो आप देख सकते हैं बीच में ये चक्रव्यूह का की तरह पे ही यहाँ पे अनेक घेरे बनाए गए हैं और यहाँ 6, 7, 8 अनेक प्रकार के द्वार यहाँ पे बने हैं और इस चक्रव्यूह को कैसे फंसाया जाएगा अभिमन्यु को, इस कहानी का मंचन आज होगा। और ठीक पीछे आप देख सकते हैं हिमालय की जो चोटियाँ हैं उनके सानिध्य में सामने चौखंबा है, ये प्रोग्राम देवर गांव में होगा। बहुत ही भव्य प्रोग्राम है, दिन के 1 बजे से ये पांडव नृत्य प्रारंभ होगा और आज इस पांडव नृत्य में चक्रव्यूह का साक्षी बनने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब देवर गांव के सारे लोग अब यहाँ पे फील्ड में पहुंच चुके हैं जहाँ पर वो इस चक्रव्यूह का आयोजन किया जाना है। इस महायज्ञ का जो है आज 28वां दिन है और 28वें दिन में जो है चक्रव्यूह भेदन का कार्यक्रम है। अब गौरव दल आने की तैयारी में है और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। कौरव दल का फील्ड में प्रवेश हो गया है। कौरव दल का यहाँ पे कौरव दल चक्रव्यूह के बीच में आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं चक्रव्यूह वेदन का कार्यक्रम, महाभारत काल का है चक्रव्यूह वेदन कार्यक्रम। देखने को मिला पांडव लीला का जो चक्रव्यूह वेदन कार्यक्रम है ये सबसे महत्वपूर्ण है और लोगों की भीड़ इस तरह की है और कौरव दल चक्रव्यूह वेदन के अंदर प्रवेश कर चुका है। चक्रव्यूह के अंदर आप देख सकते हैं इसको, अपने आप में बहुत ही अद्भुत और रोमांचक है ये। कौरव दल प्रथम द्वार सिंधु द्वार में प्रवेश कर चुका है। आप में ये अद्भुत है पांडव लीला का जो कार्यक्रम है आप देख सकते हैं और इस पांडव घाटी का ये सबसे अद्भुत प्रोग्राम मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ सीधे देवर गांव से, आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर। तो आप पीछे देख सकते हैं चतुर्वेद का कार्यक्रम यहाँ पे। पांडव दल अब आने वाला है और कौरव दल पहुंच चुका है यहाँ पे। चक्रव्यूह के भीतर कौरव दल की एंट्री हो चुकी है।
और बहुत ही उत्साह और बहुत ही रोमांचक है ये। अपने आप में ये एक अद्भुत है। पूरे उत्साह में और चक्रव्यूह का कार्यक्रम यहाँ पे गौरव दल सिंदूर राज जयद्रथ प्रथम द्वार पे यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने प्रथम द्वार, द्वितीय द्वार, तृतीय द्वार, तो आपस में बात हो रही है और ये आपस में सारे कौरव चर्चा कर रहे हैं कि किस द्वार पे कौन खड़ा रहेगा। इस प्रकार का यहाँ पर विचार विमर्श कौरव दल के द्वारा किया जा रहा है। तो चक्रव्यूह का ये कौरव दल के जो नेतृत्व करता है दुर्योधन, वो कहते हैं कि आज कृष्ण भी नहीं है और अर्जुन भी नहीं है, तो आज पांडव की सेना को इस चक्रव्यूह में फंसाया जा सकता है और वह चक्रव्यूह का वेदन ना करें तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास इन्हें फिर से झेलना पड़ेगा। तो प्रथम द्वार पे हैं सिंधराज जयद्रथ, जिन्हें प्रथम द्वार की यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है। और इसी प्रकार अन्य कौर अन्य द्वारों पे विभिन्न कौरव दल लगे हैं, जिसे जिस द्वार की जिम्मेदारी गई है। अब पांडव दल मंच की ओर आते हुए पांडव दल और अभिमन्यु और पांडव दल अपना यहाँ पे चक्रव्यूह के बाहर खड़ा है। कहानी आपने सुनी होगी जब अभिमन्यु सुभद्रा के पेट में थे, अपनी माँ के पेट पे थे और अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने की कला सिखा रहे थे, तो चक्रव्यूह में घुसना तो अभिमन्यु ने सीख लिया, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलते की बात जब वो बताया तब तक उनकी माँ सो चुकी थी। अभिमन्यु बता रहे हैं कि द्वार पे कौन खड़ा है और जरा सिंधुराज जयद्रथ उनसे रोक रहे हैं और बता रहे हैं कि जब तक वह द्वार पे खड़े हैं तब तक इस चक्रव्यूह को कोई तोड़ नहीं सकता।
सारे कौरव आपस में कह रहे हैं कि होशियार रहें कि अब अभिमन्यु प्रवेश करने जा रहे हैं द्वार की ओर। सारे कौरव अपने अपने निर्धारित द्वार पर खड़े हैं और चक्रव्यूह के द्वार पर भीम और अभिमन्यु खड़े हैं। तो अभिमन्यु कह रहे हैं अभी अर्जुन नहीं है, अर्जुन नहीं, तो आज अर्जुन का बेटा यहाँ पे उपस्थित हुआ है और वो इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा आज। तो सभी अभी कौरव युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और अभिमन्यु को धीरे धीरे अंदर प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ अगर युद्ध करो और इस व्यूह के भीतर प्रवेश करो। द्वार अभिमन्यु द्वारा तोड़ दिया जाता है। जयद्रथ द्वार को अभिमन्यु द्वारा यहां पे भेद कर लिया जाता है। जयद्रथ द्वार तोड़ के अभिमन्यु अब अगले द्वार की ओर प्रवेश करेंगे। प्रथम द्वार टूट चुका है और अभिमन्यु अब द्वितीय द्वार की ओर चले गए हैं और इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें द्वार को तोड़ते हुए अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करेंगे। सातवें द्वार पर घेर कर अभिमन्यु को यहां पर कौरवों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। तो सारे कौरव सातवें घेर सारे कौरव एकत्रित हो चुके हैं और युद्ध चल रहा है। को पूरी
तरह घेर लिया है। और अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर उलझ के रह गया है, क्योंकि अंदर घुसने का मार्ग तो अभिमन्यु को पता था, लेकिन बाहर आने का मार्ग अभिमन्यु को नहीं पता था, क्योंकि सुभद्रा उसमें सो चुकी थी जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की बात बता रहे थे। तो सारे कौरवों ने अभिमन्यु को यहाँ पे घेर लिया है और अभिमन्यु को समझ ही नहीं आ रहा है कि बाहर निकला जाए तो कैसे, और गोल गोल घूमते हुए चक्रव्यूह के अंदर घूम रहे हैं। तो अंत में चक्रव्यूह में निहत्ते अभिमन्यु को यहाँ पे सारे कौरव मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। अभिमन्यु को घेर कर सारे कौरवों द्वारा धोखे से यहाँ पे उसका वध कर दिया जाता है।